गुड मॉर्निंग, नेहाज किचन बिला में आपका स्वागत है। और आज सुबह से हो रही है बारिश, बहुत ही ठंडा ठंडा बढ़िया मौसम हो गया है। बच्चों का रेनी डे हो चुका है स्कूल का, तो हम आज ब्रेकफास्ट में बहुत ही कुछ स्पेशल तैयार करेंगे। इनाया अभी अभी सोकर उठी है, लेकिन मैं रेडी हो चुकी हूँ, तो मैं जा रही हूँ अभी ब्रेकफास्ट तैयार करने के लिए। इनाया गुड मॉर्निंग। तो चलते हैं कि आज क्या बनाएंगे हम, गर्मा गर्म नाश्ता। और तो दोस्तों आप सुन ही सकते हैं बारिश की आवाज। बहुत ही फ्रेश और बहुत बढ़िया हो रहा है ठंडा ठंडा मौसम, तो इसमें आज हमने बनाई है गर्मा गर्म पूड़ियाँ और सूखे आलू की सब्जी और बूंदी का रायता। ये मुझे बहुत ही पसंद है, बहुत ज़्यादा, और साथ ही हमारे बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये है आज का हमारा गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट, और उसके साथ है हम आम का अचार। अभी हमारा जो भी ब्रेकफास्ट था वो फिनिश हो गया, और अब हम तैयार करने वाले हैं एकदम कॉफ़ी, बढ़िया सी कॉफ़ी जिसे हम विदाउट मशीन बनाएंगे। तो चलो बना देते हैं उसको। इसलिए मैंने ले लिया है सबसे पहले एक मग कॉफ़ी, यहाँ पर मेरे पास नॉर्मल ये है चीनी। तो चलो फटाफट से बनाते हैं। थोड़ा सा मैंने पानी ले लिया, इसमें माइक्रोवेव में रख दूँगी गर्म होने के लिए। तो चलिए बना ही लेते हैं अपनी कॉफ़ी। इसमें मैं डालूंगी एक चम्मच कॉफ़ी पाउडर, नेस्कैफे का कॉफ़ी पाउडर लिया है मैंने एक चम्मच, और उसमें मैं डालूंगी दो चम्मच चीनी। इससे हमारी तो दो कप कॉफ़ी बन जाती है, लेकिन यदि आपको ज़्यादा हार्ड पसंद है तो आप थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर और बढ़ा सकते हैं। चीनी कम पसंद है तो आप थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर को और बढ़ा लीजिए, और उसके बाद आप चाहें तो चम्मच से भी फेंट सकते हैं, या फिर इस तरह की जो बिस्क आती है इससे भी आप फेंट सकते हैं। बिस्क से फेंटेंगे तो आपको लगभग 4 मिनट लगेंगे, और यदि आप चम्मच से फेंटेंगे तो आपको 10 मिनट का टाइम लगेगा। मैंने जो गर्म पानी करने के लिए रखा था, आप इसको गैस पे भी गर्म कर सकते हैं। केवल 4 चम्मच ही गर्म पानी चाहिए हमें, 4-5। तो अभी यहाँ पर मैंने 1.5 चम्मच गर्म पानी डाल दिया है, और देखिए ये मैंने फेंटना स्टार्ट कर लिया है कॉफ़ी। और मैं आपको बिना कट किए हुए इसको फेंट कर दिखाऊंगी कि ये देखिए कितनी डार्क कलर की कॉफ़ी है अभी। इसको हमने चीनी के साथ स्टार्ट किया है फेंटना। आप सेम यही प्रोसेस चम्मच से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बस उसमें आपको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, क्योंकि उसकी स्पीड थोड़ी स्लो होती है चम्मच की फेंटने की, तो उससे फेंटने में थोड़ा सा टाइम लगता है, यानी 10 मिनट का टाइम लगेगा, 10 से 15 मिनट का, और इससे थोड़ा जल्दी फेंट जाती है। ये देखिए पहले जब फिटेगी तो ये लाइट ब्राउन कलर पे आएगी इस तरह से, जैसे ये अभी दिख रही है, और फिर हम इसको और फेटेंगे। ये जब थोड़ी सी थिक होने लगेगी हम इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे, यानी 1 चम्मच, थोड़े पानी से मतलब है मेरा सिर्फ 1 चम्मच पानी, और हम इसको फिर से फेटेंगे, यानी हम इसमें 4 चम्मच से ज़्यादा पानी नहीं डाल रहे हैं टोटल। और जैसे जैसे इसमें एयर भरती जाएगी और हमारी कॉफ़ी एक्टिवेट होती जाएगी, हमने गर्म पानी डाला है जिसकी वजह से हमारी कॉफ़ी एक्टिवेट हो रही है, तो ये अपने आप ही बहुत ज़्यादा पफी हो जाएगी। ये देखिए थोड़ा थोड़ा क्रीमी फॉर्म लेना स्टार्ट कर दिया है इसने, हम बस इसको अब थोड़ा सा और फेंटेंगे, और ये हमारी लगभग आधा कप कॉफ़ी फूल कर तैयार हो गई है, जो हमने केवल और केवल 1 चम्मच कॉफ़ी डाली थी इसमें। आप देख सकते हैं कितना अच्छा क्रीमी टेक्सचर आया है कॉफ़ी का, बहुत ही बढ़िया। और इसका जो कलर है वो एकदम चेंज हो जाएगा, तो ऐसी गर्मा गर्म कॉफ़ी तो पीने का हर किसी का मन करता है बारिश के मौसम में। बस अब यहाँ पर मैंने 1 कप दूध गर्म करने के लिए रख दिया है, और दूध पूरी तरह से बॉईल हो गया है, बस हमने उसमें मलाई को नहीं पड़ने दिया है।
अब जो हमने कॉफी फैटी थी उसको हम कप में डालेंगे और उसके ऊपर से हम थोड़ी ऊंचाई से डालेंगे दूध को, जिससे उसमें प्रॉपर झाग आ जाए। आप जब थोड़ा ऊपर से इस कॉफ़ी के ऊपर दूध डालेंगे तो अल्टीमेट झाग आपको दिखाई देने लगेंगे। हल्के साइड से हम एक साइड से चम्मच से इसको इस तरह से हल्का सा मिक्स कर देंगे। हम इसके झाग को ख़त्म नहीं कर रहे हैं, यानी हम केवल हल्का सा इस तरह से मिक्स कर देंगे और हमारी कॉफ़ी एकदम झागदार बढ़िया कॉफ़ी कैफे स्टाइल की रेडी हो जाएगी। आप इस स्टाइल की कॉफ़ी को यदि आपने नहीं की है आज तक, आपने नॉर्मली फ्राइंग पैन में फिटी हुई कॉफ़ी पी है, तो आप एक बार इसको भी ज़रूर ट्राई करके देखिए। घर पर ही इतनी बढ़िया कॉफ़ी आप बना सकते हैं, वो भी बिना मशीन के। और इसके ऊपर से हमने थोड़ा सा चोको पाउडर डाल दिया है। और अब मैं आपको लाइट में दिखाती हूँ इसका कलर कितना बढ़िया और इसके झाग कितने बढ़िया आए हैं एकदम। तो आपको ये कॉफ़ी अच्छी लगी होगा, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बहुत सारे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप नए हैं तो आज